और आज तक पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुशांत और रिया का एक अनदेखा वीडियो। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत, रिया और एक तीसरा शख्स दिखाई दे। इस वीडियो में सुशांत सफेद बोर्ड पर मार्कर से लिख रहे हैं, सुशांत बोर्ड पर एरो बनाकर लिख रहे हैं आरसी रिया, एसएसआर सुशांत और एके। हालांकि ये एके कौन है इसका पता नहीं चल सका। जांच एजेंसियों को इस वीडियो का एक बड़ा हिस्सा मिला है जिससे कई सुराग मिलने की उम्मीद है। और अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव आ गए हमारे साथ मुंबई से इसी पर और जानकारी लेकर। तो एके कौन है अरविंद ओझा, पता लगा कि नहीं अभी तक एजेंसियों? जी देखिए, अब तक एके को डिकोड किया है अपने सोर्सेस के जरिए हमने, तो अनु कपूर नाम आ रहा है। हालांकि फिर भी जो एजेंसीज हैं वो वेरीफाइड कर रही है। देखिए रोहित, आज तक के पास जो ये वीडियो लगा है ये मोस्ट रिसेंट वीडियो है, यानी सुशांत की मौत से कुछ महीनों पहले का वीडियो है। अगर आप वीडियो देखें तो वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत एकदम फ्रेश नज़र आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती भी इस वीडियो में है जो एक टेबल पर ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। एक और शख्स है बैठा हुआ, वो कौन है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरह से लगातार सुशांत सिंह राजपूत पढ़ाई लिखाई करते दिखते थे, कल भी हमने उनके नोट्स के जरिए खुलासा किया था। अगर आप देखें तो इस बोर्ड में बकायदा व्हाइट बोर्ड है, बोर्ड में बकायदा सुशांत सिंह राजपूत लिख रहे हैं, कई जगह आरसी यानी रिया चक्रवर्ती और एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत लिखा हुआ है। लेकिन इस बोर्ड में जो सुशांत सिंह राजपूत एरो बना रहे हैं, इस एरो के जरिए पहले लिखा हुआ है आरसी यानी रिया चक्रवर्ती, उसके बाद एके, एके कौन है ये नहीं समझ में आता, उसके बाद एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत, और निचले हिस्से में लिखते हैं अनकही बातें। वो अनकही बातें क्या थी ये जानने समझने की कोशिश है। लेकिन इस वीडियो में देखें तो एक महफिल सी जमी हुई है, नुसरत फतेह अली खान का गाना बज रहा है, रिया चक्रवर्ती जहाँ बैठी हैं ठीक उनके बगल में एक खाली ग्लास है, और इस वीडियो का एक बड़ा हिस्सा एजेंसीज के पास है। दरअसल देखिए रोहित, इस पूरे कांड में एक एक किरदार के पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा था ये जानने की कोशिश कर रही है जांच एजेंसी। और दो किरदार ऐसे हैं जिनके जिंदगी में तो खासकर जानने की कोशिश करी है, एक सुशांत सिंह राजपूत, दूसरा रिया चक्रवर्ती। ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस वीडियो के जरिए खासकर कि आखिर जो शख्स 2018 तक स्टार की जिंदगी जी रहा था उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो पलट गया, और आज उसके बारे में ये बातें आ रही कि वो ड्रग्स लेता था, उसके बारे में बातें आ रही हैं कि वो डिप्रेस थे। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत एकदम फ्रेश नज़र आ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि एके नाम का ये शख्स कौन है, अनकही बातें क्या हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत महफिल में भी हमेशा अकेले ही रहे, कम से कम इस वीडियो के जरिए यही समझ में आता है जो आज तक के पास वीडियो है। लेकिन इस वीडियो का एक बड़ा हिस्सा है जो एजेंसियों के पास वापस आते हैं, उसके जरिए सुराग तलाशने की कोशिश है। आपके पास वापस आते हैं और जानकारी लेंगे, क्योंकि रिया ड्रग कनेक्शन में आज एनसीबी को बड़ी कामयाबी मिल गई है। एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने वाले एक ड्रग पेडलर को पकड़ा है। आरोपी का नाम है राहिल विश्राम। सूत्रों की खबर है कि राहिल बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी के साथ सीधे कनेक्शन में है। कल दोपहर से आज तड़के सुबह तक चली छापेमारी में एनसीबी ने राहिल को दबोचा है। राहिल से एनसीबी को 3 से 4 करोड़ की ड्रग्स मिली है और साथ ही 4.5 लाख रुपए कैश भी जब्त किया गया। शुरुआती जांच में शख्स ने बताया कि वो बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई के बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। राहिल ने एनसीबी को उस शख्स के बारे में भी बताया जिसके लिए वो काम करता था। अब एनसीबी को इस ड्रग्स चेन के सरगना की तलाश। सूत्रों से खबर है कि राहिल के अब तक गिरफ्तार हुए आरोपियों से डायरेक्ट लिंक है, इसीलिए आज राहिल को भी एनसीबी ने दबोचा है। ऑलरेडी डिटेन किया है। कौन लोग हैं ये, इनका सुशांत किस किस्म का? हमारे केस में दे आर लिंक। सर लेकिन किस तरह से, क्या कुछ रिकवर किया गया उनके पास? चरस रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में एंड कैश भी रिकवर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चल रही तहकीकात में जिसमें शोविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती अरेस्ट किए जा चुके हैं, अन्य कई लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू पाया है। कल वर्सोवा में एक रेड शुरू की गई जो अभी भी चल रही है। राहिल विश्राम नाम का एक व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर माना जा रहा है, उसके पास से मनाला क्रीम नामक हाई क्वालिटी हशीश सीज की गई। करीब 1 किलोग्राम की यह हशीश 3 से 4 करोड़ रुपए की है और इसके बाद
उससे तहकीकात की गई, राहिल से पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि वो एक व्यक्ति के लिए काम करता है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस व्यक्ति को ढूंढ रही है और उसके लिए एक मैन हंट लॉन्च किया गया है। इसके अलावा पवई में भी एक रेड की गई, जहां पर 500 ग्राम बड्स सीज किए गए और 3 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। इन व्यक्तियों का सीधा संपर्क है उन पेडलर्स के साथ जो शोविक और रिया के संपर्क में भी थे। आगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब भी इनसे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये ड्रग्स मुंबई में कहां से लाए जा रहे थे। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। खबर पर आगे आपको और अपडेट देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।